सितंबर 2008 में कोसी नदी के कारण आई प्रलयंकारी बाढ़ से उत्तर बिहार के 5 जिले सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और अररिया बुरी तरह से प्रभावित हुए। इस बार कोसी नेपाल में अवस्थित अपने तटबंध के एक हिस्से को तोड़कर अलग दिशा में बहने लगी और अपनी मुख्य धारा से 102 किलोमीटर दूर चली गई, जिसके कारण नदी के पानी का फैलाव कुछ जगहों पर 33 किलोमीटर तक हो गया। इस भीषण आपदा से लगभग 30 लाख की आबादी प्रभावित हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। इस प्रलय के कारण बड़े पैमाने पर जान माल, खेती बाड़ी और घर बार की भारी क्षति हुई। पानी के कारण पलायन कर रहे लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। तन पिंजड़ा छोड़ के सुगना भइले फरार, तन पिंजड़ा छोड़ के सुगना भइले फरार, छुटले पितु माता जिया पछताता की नाता टूट गइल, की नाता टूट गइल, की नाता टूट गइल। पानी अल तो सुतल रे, सब भाग लागल, तब भाग ली नहर पर, 10-15 दिन नहर पर, तब मम्मी गेले तो आनलक। दिन के 4 बजे जब पानी आए मेरे गांव में तो बहुत आदमी बेचैन होने लगे कि पानी कैसे आ रहा, तो इसीलिए हम लोग दूसरे आदमी के छत पर गए और 12 रोज वहां पर बिताए। 12 रोज के बाद यहां पे तब बोट गए, तब वहां से यहां इस स्कूल में आए, इन परवा नपटोल के स्कूल पर। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा पूरी तत्परता से भारत में अब तक के सबसे बड़े सहाय एवं पुनर्वास प्रयास को कार्यान्वित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 5 जिलों में अनेकों मेगा कैंप स्थापित कर लगभग 4.50 लाख की आबादी को आवास और राहत की सुविधा दी गई। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए मेगा शिविरों में विस्थापित लोगों के रहने के लिए टेंट और सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया। मेगा कैंप में इनके पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था और शौचालयों का निर्माण तथा प्रतिदिन परिसर की सफाई और रोशनी की व्यवस्था कराई गई। यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। मेगा कैंप में इनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए मेडिकल टीमों की व्यवस्था और प्रसव सुविधाओं की व्यवस्था की गई। हर प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। हम लोग अररिया और सुपौल में बचे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार जो भी कर सकती है वो कर रही है। सरकार लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवा रहे हैं। साफ सफाई के प्रबंध के अलावा शौचालयों का निर्माण भी करवा रहे हैं। राज्य सरकार रिलीफ कैंप्स की स्थापना कर रही है। अब तक 37 रिलीफ कैंप्स में करीब 20,000 लोगों के रहने का प्रबंध हो चुका है। मेगा शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। अन्य बच्चों में ऐसे बच्चे हैं जो विस्थापित होने के कारण अब स्कूल नहीं जा रहे हैं। प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित जिलों के अधिकांश स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे यहाँ के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इन बच्चों को ध्यान में रखकर इनके मन से बाढ़ का खौफ मिटाने के लिए तथा इनकी दक्षता स्तर को बनाए रखने के लिए कैंप स्थलों पर ही इनके पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ प्रथम और एमवी फाउंडेशन के सहयोग से एक
कार्य योजना बनाई गई। राज्य सरकार के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा 309 मेगा शिविरों में अस्थायी स्कूलों की स्थापना की गई। हम शिक्षकों की ट्रेनिंग कर और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर इन कैंप्स में अस्थायी स्कूलों में मुश्किल समय में भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रहे हैं। बच्चे इन कैंप स्कूलों में रचनात्मक ढंग से शिक्षा ग्रहण कर बाढ़ की त्रासदी भूलकर सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। प्रथम चरण में कैंप का सर्वे करके सरकारी शिक्षकों और वॉलंटियर्स को यहां प्रतिनियुक्त किया गया। कैंपों में प्रारंभ अस्थायी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को, जो शिक्षा के मुख्य धारा से पूर्व से जुड़े थे, उनके वर्गों के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें दी गई। इसके अलावा कैंप में रह रहे सभी बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल, पंचतंत्र स्टोरी बुक के साथ साथ शिक्षकों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चौक और शैक्षणिक चार्ट उपलब्ध करवाए गए। परलंकाई बार से विस्थापित होकर बहुत सारे परिवार आज जिले के विभिन्न प्रखंडों इलाकों में शिविरों में रह रहे हैं। जो उनके साथ बच्चे आए हैं उनके लिए विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया गया है। सारे लोग शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने में अग्रसर हो चुके हैं। सबों का ये सम्मिलित प्रयास है। अभिभावकों को भी मानसिक रूप से जोड़ा गया है। आज वे भी आश्वस्त हैं कि उनके बच्चे इस त्रासदी में भी शिक्षा से वंचित नहीं हैं। 309 कैंपों में अस्थायी स्कूल खोले गए, 1000 शिक्षकों की सेवा ली गई, जिससे करीब 50,000 विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ मिला। इन अस्थायी स्कूलों के चलने से कैंप के बच्चे एक साथ एक जगह पर लगभग 4 घंटे बैठते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनमें अनुशासन और आपसी सहयोग की भावना भी जागती है। मेगा शिविर में 10 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए मीना लाइफ स्किल ट्रेनिंग और नया जीवन अभियान कार्यक्रम के द्वारा कैंपों में उनके आने वाले जीवन के लिए उन्हें बेहतर रूप से तैयार किया जाता है। बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम समझ साथ पढ़ना के अंतर्गत बच्चों को उनके अभिरुचि की आकर्षक कहानियों की किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं। मीना थिएटर के मंचन से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे मधेपुरा जिला के 96 MCS में मीना थिएटर कार्यक्रम चलाया गया। इस मीना थिएटर में एक MCS में 20 बालिका, जिसमें कि 20 बालिका में कुछ विद्यालय की नामांकित बालिका और विद्यालय से बाहर की बालिका को जोड़ा गया, उसके द्वारा मीना थिएटर का कार्यक्रम किया गया। बाढ़ पीड़ित के जो भी शरणार्थी हैं, शिविर में रह रहे हैं, उनको यह लाभ हुआ कि मीना थिएटर के द्वारा उन्हें तरह तरह का कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, ताकि वो बाढ़ की त्रासदी जो उनके दिल पर छाई हुई है वो प्रोग्राम को देख करके सभी शरणार्थी अपने अपने दुख को भूल रहे हैं और हंसी खुशी की ओर उनका जीवन अग्रसर हो रहा है। अस्थायी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 समूह बनाए गए हैं। वर्ग 1 से 3 समूह के बच्चों के लिए कुछ खास दक्षताएं सुनिश्चित की गई हैं। बच्चों को
बिना रुके पढ़ना सिखाया जाता है और साथ साथ कहानी और गीत सुनाकर उनका मनोरंजन किया जाता है। और उन्हें 1000 तक की गिनती की समझ तथा 3 अंकों का जोड़ घटाव भी सिखाया जाता है। 2 अंकों का गुणा भाग करना उन्हें सिखाया जाता है। शिक्षा के विभिन्न आयामों से ही हम लोग बच्चों के हृदय में फूल खिला पाएंगे और हम लोगों ने ऐसा प्रयास शुरू किया। फिर इसमें हमें सर्व शिक्षा अभियान, बिहार शिक्षा परियोजना, यूनिसेफ और हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों जैसे जिला शिक्षा अधीक्षक, ADPC आदि का भी सहयोग मिला, जिसके चलते हम लोगों ने इस शिविर के अंदर भी विद्यालय शिक्षा विद्यालय शिक्षण केंद्र अस्थायी विद्यालय शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया। शिक्षक या बड़े उम्र के बच्चे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं। स्थानीय भाषा में बच्चों को कहानी और गीत सिखाए जाते हैं। शिक्षकों द्वारा इस वर्ग के बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। आज हाथी को गिनती सिखाना है। बोल हाथी एक, बोल हाथी एक, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। आज हाथी को गिनती सिखाना है। शब्द ज्ञान के साथ साथ फल फूल सब्जी के नाम बताना और अन्य खेल खेलना इनकी दक्षता में शामिल है। समूह 2 के अंतर्गत वर्ग 4 और 5 के बच्चे को कहानी पढ़ना और लिखना, कविता लिखना और बोलना, अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखना और सुनाना और गणित ज्यामिति आदि का ज्ञान दिया जाता है। अन्य गतिविधियों में इन्हें सफाई का ज्ञान तथा कैंप परिसर की सफाई सिखाई जाती है। बीमार वृद्ध और बच्चों की सूची बनाकर इसकी जानकारी स्वास्थ्य शिविरों में देने को बताया जाता है। इस वर्ग के बच्चे टीम बनाकर कबड्डी जैसे खेल भी खेलते हैं। इन्हें बागवानी, चित्रकारी और अखबार पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। शिविर में आए तो किताब कॉपी कलम जो होता है शिक्षक लोग दिए हैं। शिक्षक लोग हमको बहुत हम पे बहुत ध्यान रखते हैं और पढ़ाई लिखाई भी होते हैं। समूह 3 में वर्ग 7 से 8 तक के बच्चों के लिए उन्हें अपने अनुभव से कहानियां लिखना और बोलना सिखाया जाता है। उनके वर्ग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन कराया जाता है। इन बच्चों को वातावरण की जानकारी, स्थानीय उपज, पेड़ पौधों की जानकारी तथा वन संरक्षण के बारे में बताया जाता है। समूह 3 के बच्चों को कैंप के पदाधिकारियों की भी जानकारी दी जाती है। बच्चों को अधिकारियों के साथ कैंप भ्रमण करना
तथा कैंप की कठिनाइयों से अवगत करवाना सिखाया जाता है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाने में तथा उनकी कापियां जांच करने में भी मदद करते हैं। ये वैकल्पिक विद्यालय का देखभाल करते हैं तथा अन्य बच्चों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी देते हैं। कोसी क्षेत्र के 5 जिलों में लगभग 7,400 प्रारंभिक विद्यालय हैं, जिनमें जो कोसी की प्रलयंकारी बाढ़ आई उससे लगभग 2,500 विद्यालय ऐसे थे जो कि प्रभावित हुए और 6 लाख बच्चे इससे डिस्प्लेस्ड हो गए और पढ़ने लिखने की कार्रवाई बाधित हो गई। क्योंकि जो बड़ी आबादी इस क्षेत्र से निकलकर आई बाहर, उनके लिए मेगा शिविर लगाए गए, तो हमने सोचा कि इन शिविरों में बच्चों के लिए अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस यानी वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। और इन वैकल्पिक विद्यालयों में शुरुआत के दिनों में पहले 2-3 हफ्ते में पठन पाठन की गतिविधि नहीं हुई, लेकिन एक शैक्षणिक माहौल बनाया गया। उन्होंने एक साथ गाने गाए, एक साथ कहानी पढ़ी और एक जो बाढ़ की त्रासदी थी उससे वो बच्चे बाहर निकले। उसके बाद एक्चुअल पठन पाठन का काम शुरू हुआ। अनेक अध्यापक तो विस्थापित होकर शिविरों में ही हमें मिल गए थे और कुछ अध्यापक उन जिलों के अन्य विद्यालयों से प्रतिनियुक्त किए गए। उद्देश्य ये था कि किसी भी बच्चे का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो। 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाई। मेगा कैंप में भी स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए इस दिवस को मनाया गया। यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षकों द्वारा बच्चों को हाथ धुलाई के महत्व से अवगत कराया गया और हाथ धोने के 5 आसान तरीके बताए गए। कैंप में रहने वाले बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये और अधिक महत्वपूर्ण था। इस अवसर पर बच्चों से शौचालय के उपयोग और हाथ सही तरीके से धोने के लिए शपथ ग्रहण भी करवाई गई। बच्चों द्वारा यहाँ बाल संसद का गठन किया जाता है और स्कूल के विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए बच्चों से ही चुनकर मंत्री बनाए जाते हैं। पूरे क्लास की कार्यवाही को अंजाम देंगे, जो भी काम होगा यहाँ पढ़ाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सफाई का, सभी काम इनके नेतृत्व में होगा, ठीक है? अब प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री हम लोग चुनेंगे। उप प्रधानमंत्री हुए, इनका काम है। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं है तो इनके बिना ये नहीं रहेंगे, तब उप प्रधानमंत्री इनके सभी कामों को देखेंगे। शिक्षा मंत्री है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर ये सब जिम्मेदारी डाला गया है कि अगर टीचर सुबह सवेरे नहीं आए तो बच्चा को शांति से बैठाना है, बैठाने के बाद सर का इंतज़ार करना है। अगर 5 मिनट तक, अगर सर 5 मिनट में आ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आपको बच्चा को तराना करवा के कक्षा अनुसार आपको बैठाना है, ठीक है? आपका आदेश का पालन करते रहूँगी। वैकल्पिक विद्यालयों के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बच्चों के स्तरों को बनाए रखना और प्रतिभा के निखार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। कोसी के बाढ़ से प्रभावित 5 जिलों में करीब 300 शिविरों में विद्यालयों के चलाने का इंजाम किया गया था। इसमें करीब 1,000 शिक्षक भाग लिए और इससे करीब 50,000 बच्चों को फायदा हुआ। इसमें कि न केवल पढ़ाई की व्यवस्था थी बल्कि साथ साथ खेलने का उनका इंजाम, एक्सरसाइज का इंजाम, जैसे योगा होता था, कसरत होता था, कबड्डी खेलने का इंजाम था, वॉलीबॉल था, तरह तरह के खेलने का इंजाम था। और वो बच्चे जो हालांकि शिविर में थे और आपदा से प्रभावित थे, लेकिन विद्यालय का वातावरण इतना खुशनुमा और उनको इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कई जगहों पर जाके देखा, उनसे बात की, काफ़ी अच्छा उनको लग रहा था। खासकर हम लोगों ने यह भी इंजाम किया था कि अगर, क्योंकि उनके यहाँ बाढ़ आई थी, उनके जो पढ़ने की सामग्री थी जैसे किताब, कॉपी, पेंसिल, ये सब बह गया था, तो उनको नया किताब देना, कॉपी पेंसिल देना, उनके खेलने कूदने का इंजाम करना, तो कुल मिला जुला के एक बड़ा अच्छा वातावरण विद्यालय के परिसर में रहा। जो विद्यालय टेंट में बना हुआ था और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था,
लेकिन हमारे सामान्य विद्यालयों में जो गतिविधियां होती हैं, करीब करीब सारी गतिविधि, कुछ गतिविधि तो ज्यादा भी हो रही थी। शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ कैंप विद्यालयों के माध्यम से उनमें जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। कैंप में गीत गाकर, कहानी सुनाकर, चित्रकारी कर बच्चों के मन से बाढ़ का खौफ मिटाने में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक अहम भूमिका निभा रही है। मेगा राहत शिविर हमने कहा था कि चलाए जाएंगे, चला के बता दिया। एक एक राहत शिविर में 10-10 हजार लोग हैं और वहां के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, पढ़ने के लिए स्कूल, इलाज के लिए वहां पर डिस्पेंसरी, यहां तक कि मैटरनिटी हट भी वहां बना दिया। और रिलीफ कैंप में जो बच्चे पैदा हुए, अगर लड़का हुआ तो 10 हजार रुपया, लड़की हुई तो 11 हजार रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको दिया गया। हर प्रकार की सुविधा, खाने का इंतजाम, सुबह नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। इत्मीनान से 4.5 लाख लोग राहत कैंप में थे और इतने बड़े पैमाने पर राहत कैंप चलाने का इस देश में पहला तजुर्बा बिहार में हुआ। राहत कैंप बहुत चले, बहुत जगहों पर चले, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 4.5 लाख लोग राहत कैंपों में कहीं नहीं रहे। आने वाले दिनों में इनके विधिवत शिक्षा शुरू होने तक इन वैकल्पिक विद्यालयों की अहम भूमिका होगी।